डॉन ब्रजेश सिंह एक दशक से ज्यादा वक्त जेल की सलाखों के पीछे गुजारने के बाद बाहर आ गया, लेकिन अब आपको तफसील से बताते हैं कि कैसे ब्रजेश सिंह ने अपराध की दुनिया में कदम रखा और फिर कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। ब्रजेश सिंह जब जेल गया था तब उस पर कुल 19 मुकदमे दर्ज थे, उनमें से 15 में वो बरी हो चुका है और 3 मामलों में जमानत मिल गई थी। अंतिम मामले में भी अब उसे जमानत मिल चुकी है। ब्रजेश सिंह की कहानी में पहले क्राइम का पन्ना आता है और उसके बाद राजनीति का। जरायम की दुनिया में डॉन के खूंखार सफर की शुरुआत होती है 80 के दशक से। 27 अगस्त 1984 वो तारीख है जब इलाके के रसूखदारों में शुमार ब्रजेश के पिता की धरहरा गांव में हत्या कर दी गई। कत्ल का आरोप हरिहर सिंह और पांचू सिंह पर लगा। इस वारदात के बाद ब्रजेश बदले की आग में धधकने लगा। ठीक एक साल बाद 1985 में पिता के हत्यारे हरिहर सिंह को मौत के घाट उतारा। ये पहला मौका था जब ब्रजेश के खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद ब्रजेश फरार हो गया। इसके बावजूद उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। आरोप है कि उसने पिता की हत्या में शामिल 5 और आरोपियों को एक साथ गोलियों से भून डाला। इसके बाद ब्रजेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद ब्रजेश को जेल भेजा गया। इसी दरमियान उसकी मुलाकात गाजीपुर के मुडियार गाँव में त्रिभुवन सिंह से हुई। ब्रजेश और त्रिभुवन के बीच दोस्ती हो गई। दोनों मिलकर साथ काम करने लगे। धीरे धीरे इनका गैंग पूर्वांचल में सक्रिय होने लगा। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब ब्रजेश सिंह और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी कोयले की ठेकेदारी को लेकर आमने सामने आ गए। ब्रजेश सिंह की पहचान पूर्वांचल में बाहुबली के रूप में रही और उसने मुख्तार के कारोबार में काफी हिस्सेदारी छीनने की कोशिश भी की, चाहे कोयले के ठेके हों या पीडब्ल्यूडी के, शराब के ठेके, रेलवे के ठेके, सब में उसने बराबर मुख्तार अंसारी को चुनौती दी। ये बात अलग है कि मुख्तार अंसारी ने सियासी रसूख हासिल करने के बाद ब्रजेश सिंह को डाउन कर दिया। ब्रजेश सिंह ने भी उत्तर प्रदेश छोड़कर मुंबई, महाराष्ट्र और झारखंड में अपनी सत्ता बनाई। तमाम ठेके टेंडर हासिल करके उसने मजबूती हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इधर पूर्वांचल में लगातार गैंगवार होती रही। ब्रजेश सिंह और माफिया मुख्तार अंसारी के बीच ताबड़तोड़ गोलियां चली, पूर्वांचल की धरती खून से लाल हो गई और इस गैंगवार में ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के गैंग के कई लोग मारे गए। शायद ब्रजेश को इस बार मुख्तार की ताकत का अंदाजा नहीं था, इसलिए मुख्तार अंसारी के प्रभाव की वजह से ब्रजेश पर पुलिस और नेताओं का दबाव बढ़ने लगा। ब्रजेश के लिए कानूनी तौर पर काफी दिक्कतें पैदा होने लगी थी। माफिया ब्रजेश का काला कारोबार संभालने वाले कई लोग मुख्तार गैंग और पुलिस के निशाने पर थे। ब्रजेश का राइट हैंड कहे जाने वाला अजय खलनायक भी इनमें से एक था, जिस पर जानलेवा हमला भी हो चुका था। इस हमले के पीछे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का नाम मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया। 12 साल पहले यानी जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी के काफिले पर गाजीपुर के उसरी चट्टी इलाके में जबरदस्त हमला हुआ था। ट्रक में भरकर आए कई बदमाशों ने मुख्तार के काफिले पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी, जिसमें मुख्तार के गनर और दूसरे पक्ष से मनोज राय समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में ब्रजेश सिंह के साथ त्रिभुवन सिंह समेत अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। माना यह जा रहा है कि ब्रजेश सिंह के बाहर निकलने के बाद एक बार फिर पूर्वांचल की राजनीति में और अंडरवर्ल्ड में उसरी चट्टी कांड फिजा को गर्माएगा। इस दुश्मनी के चलते ही ब्रजेश सिंह के चचेरे भाई सतीश सिंह की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस वारदात से पूरा पूर्वांचल दहल गया, इलाके के लोगों में खौफ भर गया। माफिया ब्रजेश सिंह का काला साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ने लगा था। पश्चिम बंगाल, मुंबई, बिहार और ओडिशा में भी उसने अपना जाल फैला लिया था। हालांकि उस वक्त ब्रजेश भूमिगत था। फिर ब्रजेश ने भाजपा विधायक कृष्णानंद राय का दामन थाम लिया।
राजनीतिक संरक्षण मिलने से ब्रजेश को राहत मिल गई, लेकिन मुख्तार गैंग लगातार उसका पीछा कर रहा था। इसी दौरान ब्रजेश ने मुख्तार पर शिकंजा कसने की कोशिश की, जिसके चलते विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। आरोप है कि ये हत्या मुख्तार अंसारी के इशारे पर की गई। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे और लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।